फोर्थ ईयर। सुना था जिंदगी की जिल्लतों से कुछ छुटकारा मिलेगा, लेकिन सुबह 8 बजे की क्लास में इस ख्वाब की डीप वाट लगा दी यार। खैर है, ख्वाब तो देखना हम नौजवानों का फर्ज है, जॉब लग जाएगी तो जान छुट जानी है। कैसे है? तेरी क्लास नहीं है? क्या टाइम हो रहा है? 8 बज गए हैं भाई, बहुत देर हो गई है, जल्दी भाग। चलो भागते हैं, इसी बहाने मैं आपको अपनी खूबसूरत यूनिवर्सिटी ही दिखाता चलूं। So, I will teach you electric machines course this semester. Lecture शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बता दूं। इस यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा रिसर्च पेपर्स मैंने लिखे हैं, और अगर आपकी यूनिवर्सिटी टॉप रैंकिंग्स में आती है तो सिर्फ मेरी वजह से। The credit goes to me. So, before starting our today's lecture, let me tell you some rules of my class. I want pin drop silence. और क्लास में सोना मना है, और मेरी क्लास में डोंट बी लेट, बिकॉज यू नो जब मैं MIT में था तो हमारे टीचर्स कहा करते थे कि टाइम इज मनी एंड मनी इज पावर। हे यू, अब 2 मिनट्स लेट हो गए। सर वो मैं देर से सो के उठे हो गए, अब मुझे बता देते मैं आपके रूम आकर पढ़ा देता। हैं सर, शट अप यू इडियट, मेरी क्लास में लेट आने वाले के लिए कोई जगह नहीं। गेट आउट फ्रॉम द क्लास सर, प्लीज सर। गेट आउट आई सेड। नींद आ रही है मेरे बेटे को? सो जाओ बेटा, सो जाओ, हम सब यहाँ सोने और मौज मस्ती करने ही तो आते हैं। सॉरी सर। नहीं नहीं कोई मसला नहीं, सो जाओ बेटा। सॉरी सर। यू इडियट, शट अप यू इडियट। क्या नाम है तुम्हारा? रवि। असाइनमेंट किया तुमने? सर कौन सी असाइनमेंट, आज तो क्लास का पहला दिन है। मेरी क्लास में हर रोज असाइनमेंट होगी, मैं तुम्हें असाइनमेंट दूंगा, मैं तुम्हारे क्विज में तबाही फेरूंगा, मजा आएगा, मुझे बहुत बहुत मजा आएगा। सर ये तो ज्यादती है सर। मैं भी तो मजबूर हूँ रवि। यार मेरी पहली क्लास मिस हो गई है। 4 सालों में पहली क्लास में सो गई, उफ थीटे। तुम कभी सीरियस भी होती हो? हाँ ना, तो आज साल। यार, by the way, your jeans getting close to you. कैसे? ये देखो। देखना यहाँ नहीं, ओ मेरे सैयारे, दूर मैं वहाँ, मेरे सवाल का जवाब दो, दो किसका कसूर है, क्यों खुशियां मुझसे दूर है, मेरे दिल में क्यों नहीं है आरज़ू। बोल मेरे सैयारे, देख तू यहां, छोड़ी तेरी है मैंने प्यारे, कहाँ हूँ मैं, कहाँ है तू।
लाला एक एप्पल जूस दे दे। लाला एप्पल जूस दे दे। हाँ भाई किधर है लो क्या लाला वो लड़की लड़की कौन सी लड़की जाओ चलो तुम्हें क्या हो गया भाई यार एक तो ये जो लाला है यार अच्छा चल रहा है तू बता चौधरी साहब तेरी तो जॉब शॉप लग गई होगी और जॉब शॉप दी सानू टेंशन नहीं अब्बा जी ने आके अपनियां मिलना ने ओथे काम करना ओथे बैठ चौधरी साहब का तो सीन सेट है तू बता तेरा क्या सीन है यार मैं तो जिम करता हूं मैंने बस जिम खोल लिया ये देख ऐसे डोले बना क्या बात है बहुत थीटे तुझे क्या टेंशन होगी तेरी तो जॉब लग जाएगी मजा आ गया हर वक्त तुम लोगों को इसी बारे में बात करनी होती है जॉब 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 बस कर दो अब तुम लोगों को पता है जॉब की प्लेसमेंट जस्ट लग गई है अच्छा हाँ कहाँ पे या वो डबल ई में चलो देखते हैं सर क्यों चलो स्टॉक मार्केट पे लगी हुई है चल चल बहुत चल ना यार अच्छा सुनो टेंशन ना लो यार हो जाएगा जी ठीक क्या हुआ मेरा बच्चा गला खराब है क्या नहीं अम्मी कुछ तबीयत खराब थी बस अरे बेटा आपको पता है घर पे लेटर आया है तुम्हें पता है ना तुम्हारी जॉब लग गई है जी बेवकूफ इतना मुंह क्यों लटकाया है इतनी खुशी की बात है तुम्हें पता है आज मैं कितनी खुश हूँ 4 साल से इस दिन का ख्वाब देख रही थी ऐसा लगता है मुझे सारी दुआओं का नतीजा मिल गया लेकिन अम्मी लेकिन वेकिन क्या इतनी लाखों की फीस भरने के बाद इतनी रातों की मेहनत के बाद इतनी मामूली तनख्वाह मैं टूट गया हूँ अम्मी ऐसे कैसे बेटा याद है जब तुम 7वीं जमात में थे और इम्तिहानों में शदीद बीमार थे डॉक्टरों और उस्तादों ने कहा था कि इसके फाइनल इम्तिहान छुड़वा दें लेकिन अपने दोस्तों से पीछे रह जाने के डर से तुमने हार नहीं मानी
اور اس حالات میں بھی تم نے امتحانوں میں کامیابی حاصل کر کے سب کو حیران کر دیا تھا۔ جی یاد ہے۔ مجھے پتا ہے میرا بہادر بیٹا ہار ماننے والا اور محنت سے دل چرانے والوں میں سے نہیں۔ اب چھوڑو یہ فضول باتیں، جلدی سے فارغ ہو کے گھر آ جاؤ، تمہارا پسندیدہ کھانا تیار رکھا ہے۔ اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس زندگی کی جنگ سے بھاگنے والا نہیں۔ زندگی ایک پل ہے جس میں نہ آج ہے نہ کل ہے، جی لو اس کو اس طرح کہ جو بھی آپ سے ملے وہ یہی کہے، بس یہی اس کی زندگی کا سب سے حسین پل ہے۔ مشکل اس دنیا میں کچھ بھی نہیں، پھر بھی لوگ اپنے ارادے توڑ دیتے ہیں۔ اگر سچے دل سے ہو چاہت کچھ پانے کی تو ستارے بھی اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ نگاہوں میں منزل تھی، گرے اور گر کر سنبھلتے رہے، ہواؤں نے بہت کوشش کی مگر چراغ تھے کہ آندھیوں میں بھی جلتے رہے۔ Hi, my name is Fahad Qaseem and I'm going to tell you my life story. Saath nahi rehne se rishte nahi toota karte, waqt ki dhoond se lamhe nahi toota karte. Log kehte hain mera khwab toot gaya, tootti to neend hai, khwab nahi toota karte. مشکلیں دل کے ارادے آزماتی ہے، خوابوں کے پردے نگاہوں سے ہٹاتی ہے۔ حوصلہ مت ہار گر کر او مسافر، ٹھوکریں انسان کو چلنا سکھاتی ہیں۔ جب ٹوٹنے لگے حوصلے تو بس یہ یاد رکھنا، بنا محنت کے حاصل تخت و تاج نہیں ہوتے، ڈھونڈ لینا اندھیروں میں منزل اپنی، جگنو